लखनऊ से खबर सामने आ रही है, धान खरीद में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 केंद्र प्रभारी समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लापरवाही बरतने पर 5 केंद्र प्रभारी निलंबित किए गए हैं। लखीमपुर खीरी के सदर बंडी सचिव राम बाबू निलंबित किए गए हैं। 199 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर में ज्यादा शिकायतें मिली हैं। धान खरीद में लापरवाही की शिकायतों को लेकर एक्शन लिया गया है। सीएम नाराज थे। सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुरी से इन सभी जिलों से ज्यादा शिकायतें मिली है धान खरीद में लापरवाही को लेकर। यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है और जो कोई भी अब धान खरीद में लापरवाही बरतेगा उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। 8 केंद्र प्रभारी समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। लापरवाही बरतने पर 5 केंद्र प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के सदर मंडल सचिव राम बाबू निलंबित हो गए हैं। 199 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुरी से सबसे ज्यादा शिकायतें मिली है जिस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। कोई भी धान खरीद में लापरवाही है उसको बख्शा नहीं जाएगा, इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। 199 लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो चुकी है। कड़ी कार्रवाई यहां पर सरकार की तरफ से नजर आ रही है। 8 केंद्र प्रभारी समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 5 केंद्र प्रभारी लापरवाही की वजह से सस्पेंड कर दिए गए हैं।